मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्रो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र शासन श्री समय सार जी परमागम परिशिष्ट में 47 शक्तियों का प्रकरण ले रहे हैं अपन। पहली शक्ति कौन सी थी? जीवत्व। आत्मा सदा जीता है, तेरा मरण का भय व्यर्थ है। आत्मा को जीवित अर्थात अपने को जीवित रहने के लिए कोई साम दाम दंड वेद की जरूरत नहीं है। क्या गजब बात है। एक जगह लिखते हैं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते ही न बचावे कोई। दूसरी तरफ कहते हैं कि मणि मंत्र तंत्र नहीं होई, जरूरत क्या पड़ी है उसकी। आहा हा हा, ऐसा अमर तत्व हूं। दूसरी शक्ति कौन सी थी? चेती शक्ति। चेती शक्ति मैंने अजड़त स्वरूप। मैं कभी जड़ रूप नहीं हुआ, जड़ रूप नहीं हुआ, मैं चैतन्य हूं। वह चैतन्य कैसा है? तो तीसरी शक्ति आई दृशी। चौथी शक्ति में ज्ञान शक्ति और नवी दसवीं शक्ति में सर्वदश शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। आइए इनको अपन देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तीसरी शक्ति में अनाकार उपयोगमयी। कैसे है? अनाकार उपयोगमयी। इस अनाकार उपयोग की चर्चा कल अपन ने बहुत विस्तार से करी थी। चौथी शक्ति में साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, बराबर। अभी नवी शक्ति पढ़ते हैं थोड़ा। समस्त विश्वना विशेष भावों ने जानवा रूपे परिणमता एवं आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। नौ दसवें नंबर की है और नवे नंबर की है। समस्त विश्वना सामान्य भाव ने देखभाल रूपे परिणमता एवं आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शत्व शक्ति। इसकी चर्चा करना है। क्या कह रहे हैं? समस्त विश्वना सामान्य भावों में देखवा रूपे परिणमता एवं आत्मदर्शनमयी। कैसी शक्ति है ये? आत्मदर्शनमयी। ये गजब बात है। ऐसे ही आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। देखो याद करना सरल है, सरल है याद करना। साकार निराकार। निराकार में तो कौन हो गया, अनाकार में कौन हो गया? निराकार नहीं, अनाकार। अनाकार उपयोगमयी दसी शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। साकार का मतलब मालूम है? निर्णयात्मक, गेयों का निर्णय करने वाला, जानने वाला। तो अनाकार साकार। अब सारे विश्व को देखने रूप और सारे विश्व को जानने रूप। सारे विश्व को देखने रूप लेकिन आत्मदर्शनमयी। सारे विश्व को जानने रूप परंतु आत्मज्ञानमयी। शब्द ख्याल में बराबर। आत्मदर्शनमयी आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। क्या हुआ? समस्त विश्व न सामान्य भाव। इतने समझ में आ गई ना, कल चर्चा हो गई सामान्य भाव। सर्वज्ञ भगवान भी सामान्य तरीके देखते हैं, क्योंकि विशेष देखने का काम ज्ञान गुण में होता है और सामान्य देखने का काम दर्शन में होता है। अनंत भगवान को अनंत दर्शन प्रकट हुआ तो सामान्य पने अभेद पने पूरे विश्व को देखते हैं। तीन लोग तीन काल को देखते हैं, बराबर। हम क्या करते हैं? हमारे पास भी दृष्टि शक्ति है लेकिन सर्वदर्शी तो नहीं है। क्या फर्क बताया था कल? कि दृष्टि शक्ति ये गुण रूप है, सामान्य शक्ति है। ज्ञान शक्ति ये सामान्य रूप है, ध्यान रखना। ज्ञान शक्ति माने जानने की शक्ति, ये सामान्य रूप है। लेकिन उस शक्ति की होती है व्यक्तता।
शक्ति की होती है व्यक्तता, उस व्यक्तता को यहां पर शक्ति कह रहे हैं। जो शक्ति व्यक्त होती है ना, तो ये सामर्थ्य रूप शक्ति है। इसे समझाने से पहले थोड़ा हम एक बात बताएं आपको, आज प्रसंग आ गया इसलिए आज ही बताती हूँ, दो तीन दिन पहले भी बता सकते थे, पहले भी बताना चाहिए थी, लेकिन अभी बताते हैं। देखो ये जो 47 शक्तियां हैं, उन 47 शक्तियों में तीन तरह की शक्ति है, 47 शक्तियों में तीन तरह की शक्ति है, एक गुण रूप, एक शक्ति रूप और एक धर्म रूप। ऐसे तीन प्रकार की शक्तियां 47 शक्तियों में। तो जो दृष्टि शक्ति है ना वो गुण रूप है, और जो सर्वदर्शित्व शक्ति है ना वो शक्ति रूप है, और धर्म रूप शक्तियां होती हैं उनकी चर्चा आगे आएगी। फिर से प्रवीण भाई, क्या फर्क पड़ा गुण और धर्म में, क्या फर्क पड़ता है गुण और शक्ति में, क्या फर्क पड़ता है? कि शक्तियां तो गुण होती हैं लेकिन गुण शक्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? शक्ति तो धर्म भी होते हैं, शक्ति गुण भी होते हैं, शक्ति शक्ति भी होती है, लेकिन गुण गुण ही होते हैं, गुण शक्ति नहीं होती, गुण धर्म नहीं होते। कह दो कुछ भी कह दो वो जुदी बात है। अभी अभी खरेखर देखा जाए तो गुण शक्ति और धर्म में फर्क है। अब क्या फर्क है हम आपको जल्दी संक्षेप में समझाएं। देखो कि गुण की पर्याय होती है, बहुत सरल लॉजिक है उसका, गुण की अनादि अनंत पर्याय होती है, अवस्था बदलती है। जैसे ज्ञान में जानना 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 जानना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे जानने का है ना, इसको जानते थे अब इसको जानते थे, माने प्रति समय नवीन 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 अवस्था होती है, नया नया जानना होता है, नया नया देखना होता है, उसे हम गुण कहते हैं। पकड़ में आया? गुणों का क्या होता है? पर्याय होती है, माने गुणों का जानना होता है, बराबर, माने गुणों का परिणमन होता है, जानना नहीं परिणमन, गुणों का क्या होता है? परिणमन, नई नई अवस्था होती है। लेकिन शक्ति में परिणमन नहीं होता, शक्ति में गुण नहीं होता, शक्ति में वो पर्याय नहीं होती। शक्ति में क्या होता है? शक्ति की व्यक्तता होती है, शक्ति की व्यक्तता होती है। तो यह जो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति है वो शक्ति है, गुण नहीं है। कल ऐसा प्रश्न आया था, यदि हमें सर्वज्ञत्व शक्ति है तो उसका परिणमन किस रूप में है? यदि हमारे में सर्वदर्शित शक्ति है तो उसका परिणमन किस रूप में है? कि किसी रूप में नहीं है। सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित शक्ति का परिणमन नहीं होता, वो तो व्यक्त होती है। अब व्यक्त होने को भी समझाएं दृष्टांत देकर के थोड़ा सा। स्वामी जी का प्रसिद्ध दृष्टांत है, वैसे आपको याद आ जाए तो, लैंडी पीपर, लैंडी पीपर प्रति समय परिणम रही है, लैंडी पीपर की प्रति समय अवस्था बदल रही है, समझ लो गुण का दृष्टांत हो गया। अभी उसको ऐसा मुंह में रखो तो उतनी चरप्रास नहीं आवे, लेकिन उसे 64 पुटी घोटी जाए, घुटाई की जाए, और फिर इतनी सी भी मुंह पर रखी जाए तो जीव एकदम एकदम जल जाए, चरपराहट इतनी तेज हो जाए उसकी। ये है उस लैंडी पीपल में छिपी ही शक्ति जो व्यक्त हो गई। ऐसे ही इस भगवान आत्मा में सर्वदर्शन शक्ति छिपी पड़ी है, 14 गुणस्थान की 13 गुणस्थान की घुटाई होते से ही वो अब 64 पुटी है या 13 पुटी है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ 13वां गुणस्थान आते से ही वो जो शक्ति थी ने व्यक्त हो गई, बराबर। बम है, बम बम का दर्शन कर दिया ना, बम अभी बिल्कुल शांति से रखा है, 100 बरस भी रखा रहे तो ऐसे ही रखा रहेगा, कोई नहीं मरे उससे, ऐसे ही रखा है वे। लेकिन जब उसकी प्रोसेस की गई और जो फटता है तो 100 वर्ष तक बम में होता रहा परिणमन, एक गुण का दृष्टांत, कुछ ना कुछ तो परिणमन हो गई। लेकिन जो शक्ति प्रकट हुई, ताकत प्रकट हुई बमबास्ट होने में, यह उसकी शक्ति की व्यक्तता है। बराबर समझ में आया? हम शांति से बैठे हैं तो परिणमन तो चालू है लेकिन शक्ति की व्यक्तता नहीं हो रही। कई बार ऐसा स्कूल में होता है, कोई लड़का ऐसा कहता है, ये पिताजी ऐसा कहते हैं घर में बेटे से, देखो जब तक हम शांत हैं तब तक शांत हैं, और एक बार गुस्सा आ गया तो फिर देख लेना तुम। अभी क्या मतलब, किस बात को बता रहे हैं? वो
शक्ति की व्यक्तता को कि मेरा गुस्सा अभी शांत है, फिर मत बोलना कुछ, यानी वो क्रोध व्यक्त हो जाएगा। तो एक शक्ति इसकी होती है व्यक्तता, और गुण का क्या होता है? परिणमन। और धर्म में ना परिणमन होता है और ना व्यक्तता होती है, धर्म सापेक्ष होते हैं, नित्य अनित्य, ये धर्म कहलाते हैं। नित्य अनित ये धर्म कहलाते हैं, एक अनेक सत असत ये धर्म कहलाते हैं। धर्मों की चर्चा चल रही ना प्रवचन में गुरुदेव श्री की, अभी धर्मों की चर्चा है। वो स्व से सत पर से असत ये धर्म है। ऐसी इसमें और भी धर्म की जब चर्चा आएगी तब हम आपको धर्म की चर्चा करेंगे। अभी तो ये कौन सी बात चल रही है कि दो तरह की बात चल रही है, एक गुण रूप शक्ति, तो दृष्टि और ज्ञान ये गुण है, इनका परिणमन होता है प्रति समय, और सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञ तो शक्ति, ये शक्ति है जो 13वें गुणस्थान में व्यक्त होती है। अब कैसे व्यक्त होती है उसकी बात, कि आत्मदर्शनमय और आत्मज्ञानमय। अब यहां से टर्निंग आ गया भैया, अब यहां से टर्न आ गया, मैंने अब सेकंड पॉइंट शुरू हो गया इसमें। हा हा हा, कैसी है मेरी सर्वज्ञ तो शक्ति और सर्वदर्शित शक्ति, कि वो तो आत्मज्ञानमय है। इसका मतलब आत्मा को जाने तो प्रकट होती है। अब कितना सरल, आपको मंत्र भी मिल गया, सब प्रकट कैसे करें, 13 गुणस्थान कैसे प्रकट करें, कि उसमें उसकी विधि भी आ गई, इस शक्ति में उसकी विधि भी आ गई। कैसे, कि जिसने आत्मा को जाना उसे सर्वदर्शित शक्ति की व्यक्तता होती है, सर्वज्ञ तो शक्ति की व्यक्तता होती है, लेकिन जिसने आत्मा को नहीं जाना देखा, दर्शनमय ज्ञानमय माने ज्ञाता दृष्टा, जिसने आत्मा को नहीं जाना देखा उसे सर्वज्ञ तो शक्ति और सर्वदर्शित शक्ति प्रकट होती। थोड़ी सी इसकी चर्चा करती हैं। देखो जहां अभी जिसका प्रसंग चल रहा है हम उसी से सिद्ध करेंगे उस बात को। आज अखिल विश्व दुखी है, सारा विश्व दुखी है। मालूम क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी सर्वज्ञ तो शक्ति है, तो नेचर है ना, नेचर उसके पास, नेचर है ना, तो आज वो सारे विश्व को जानना चाहता है, सारे विश्व को देखना चाहता है। एक टेलीविजन दुख का आविष्कार है जी, क्योंकि आत्मा देखो, जीव वही चाहता है जो उसका स्वभाव है, जैसे सुख चाहता है तो सुख स्वभाव है, अखिल विश्व को जानना चाहता है तो जानना उसका स्वभाव है, अखिल विश्व को देखना चाहता है क्या हुआ ये उसका स्वभाव है। अब दिक्कत इतनी सी बात है, ये सारे विश्व को देखना जानना चाहता है, लेकिन भगवान ने तो उसका मंत्र बताया था आत्मदर्शनमय आत्मज्ञानमय, और वो कहता है दूरदर्शनमय और इंटरनेटमय। क्यों? सारे विश्व की जानकारी लेना हो तो क्या करना पड़ेगा बोलो, वर्तमान में इंटरनेट, ये सारे चैनल खोलो, इधर खोलो उधर, उसकी साइट वेबसाइट खोलते चले जाओ और देखते चले जाओ सारे विश्व में क्या हुआ है। परमाणु बम की वेबसाइट खोल के देख लो कि आज तक इतिहास से लेकर अभी तक क्या हुआ परमाणु बम में, और रिसेंट क्या चल रहा है, फला क्या हो रहा है, सब जान लो। सुन भैया, यहां लिखा है आत्मदर्शनमयी आत्मज्ञानमयी, इसका शब्द मार्मिक है। सारा विश्व दुखी है, टेलीफोन क्यों, जानने के लिए। मोबाइल फोन तो 24 घंटे ही संग, क्यों, काय के लिए, जानने के लिए। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो उनकी पत्नी बहुत खुशी से कहती है ये तो अच्छा रहा कि उनके पास था मोबाइल। तो फिर क्या हुआ, कि हुआ कुछ नहीं, वे मर गए उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लिफ्ट में फंस के, लेकिन कम से कम मैसेज तो मिल गया। क्या बढ़िया था, क्यों, लिफ्ट में से मैसेज आ गया, वो हवाई जहाज गिरने वाला था ना, तो वहां से ही मैसेज आया कि आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है और अब हम नहीं मिल पाएंगे, तो उसने फोन कर दिया वहां से, तो बड़ी प्रसन्न हुई, कम से कम उन्होंने मरते समय हमें, वाह बहुत बढ़िया, क्या क्या सुविधा मिली इससे, मात्र जानने की। अरे तुझे ऐसे ही जानना था, अरे रे सुनो, तुम आत्मदर्शन करो, आत्मज्ञान करो, एक बार आत्मा को देख, आत्मा को जान, आत्मा को देख, आत्मा को जान, ये बात व्यवहार है, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव कर,
मैं आत्मा हूं ऐसा जान, मैं आत्मा हूं ऐसा देख, देख माने अच्छा देखने का बड़ा भ्रम भारी है, देखने के चक्कर में सारे के सारे। भैया जैसा देखने का अर्थ सड़क पर होता है वैसा इसका अर्थ नहीं, यहां देखना माने दृष्टिकोण। आप कैसे देखते हो, आप अपनी पत्नी को कैसे देखते हो, ये सब दो आंखों से देखते हैं, मूर्ख हो तुम। अपनी पत्नी को आप दासी रूप में देखते हो, स्वामी रूप में देखते हो, समानता के रूप में देखते हो, कि भावी भगवान आत्मा भावी सिद्ध के रूप में देखते हो, चोर के रूप में देखते हो, दुखियारी के रूप में देखते हो, गरीब के रूप में देखते हो, किस रूप में देखते हो, कितने फर्क पड़ गए देखो। आलसी के रूप में देखते हो, एक्टिव किस रूप में देखते हो पत्नी को, तो ये देखने का दृष्टिकोण है ना। अब इसको आंखों से देखा जा सकता है, स्त्री बहुत सुंदर है लेकिन उसने अपने मित्र को कहा मेरी पत्नी से बदतर कोई होगी नहीं। क्यों भैया, हमने तो देखा बड़ी सुंदर है। अरे वो तो ठीक है, ये क्या मतलब निकला, इसका मतलब देखने का दृष्टिकोण तो देखना अलग हुआ ना। ऐसे तुम अपने आत्मा को क्या देखते हो, कैसा हम दीनहीन देखते हैं, गरीब देखते हैं, कम ज्ञान वाला देखते हैं, ज्यादा ज्ञान वाला देखते हैं, नहीं हम अपने आत्मा को ऐसा देखते हैं कि जब केवल ज्ञान होगा तब महान होगा ऐसा देखते हैं। तो ऐसे देखने से सर्वदस्य शक्ति नहीं खिलती, शक्ति की व्यक्तता नहीं होती, केवल ज्ञान की व्यक्तता नहीं होती। कब होगी कि जब तुम अपने को अब देखो, अब देखो, अब देखो का शब्द बहुत है, 90% लोग तो देखने के चक्कर में आंख बंद करके अंदर देखो अंदर देखो, अंदर अंदर क्या है, स्पष्ट लिख दिया आचार्य देव ने, आंखों से आत्मा देखने में आता नहीं है। इसलिए आंख से जब भी आंख बंद करो तो कुछ देखने की कोशिश ही मत करो। लेकिन अपन क्या करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन के नाम पर एक चक्र बनाते हैं, अंधेरे अंधेरे में काला काला चक्र, फिर सफेद नीला चक्र, फिर पीला चक्र, फिर केसरिया चक्र। आप बिल्कुल पंडित जी ऐसा दिख रहा है बिल्कुल, मूर्ख, ये देखने का मतलब ही नहीं। देखना माने दृष्टिकोण, मैं अपने को भावी सिद्ध देखता हूं, मैं अपने को एरा गेरा नहीं देखता, सड़क छाप नहीं देखता, मैं एक तीन लोक की अद्भुत निधि हूं ऐसा देखता हूं। मैं पर्यायों की दीनता में दीनता नहीं देखता। हा हा हा, सीता अपने राम को कैसा देखे बोलो, करोड़पति देखे कि भिखारी देखे बोलो, अब महल तो छूट गए, जंगल में जाना पड़ रहा है, बोलो क्या देखे, कि मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो आप सर्वस्व है बस, कि आज तो कुछ भी नहीं है। कि सीता सोच लो, उन्होंने कहा था जाते समय, आप विचार करो, आपको पीहर में रहना तो पीहर में रहो, यहां रहना तो यहां रहो, महलों में रहो तुम महलों में रहियो, मैं तो जंगल में पहले से ही रहा हूं, क्योंकि पढ़ने लिखने गए थे ना वहां, तो वहां सब तीर चलाना सीखना वगैरह सब जंगल में होता है, तो हमें तो जंगल में रहने की हैबिट है, लेकिन तुम्हारे लिए हैबिट नहीं है, तुम तो हमें महलों में ही रही हो, तुम्हें तो कुछ अनुभव नहीं है सड़क का जंगल का, भोजन मिले ना मिले, फल फूल खाने पड़ेंगे, पानी पीना पड़ेगी, क्या स्थिति बनेगी जंगल में, पशु हो कि जानवर हो कुछ हो तुम मत जाओ। उसने कहा कि मुझे ना जंगल दिख रहा है, ना पहले महल दिखे थे, ना पहले महल दिखे थे आपके संग, और ना आपके संग आज मुझे जंगल दिखता है, मुझे आप हैं तो मेरी सारी सुरक्षा चक्र तो आप ही हैं, मेरे को दिक्कत किस बात की है, आप हो तो मुझे तो आपके साथ, पढ़ा होगा आपने पुराण, कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज की रक्षा करने की जो प्रसंग आया तो बहुत भयंकर आता था वो अभ्यंतर, बहुत भयंकर, सारा गांव शाम के टाइम खाली, शाम को टाइम, दिन में रवे न शाम को भाग जावे, इतना इतना भयानक। तो उन्होंने कहा ये बहुत भयानक है, तुम भी इनके साथ चले जाओ, तुम भी इन श्रावकों के साथ चले जाओ, हम दोनों जाकर के मुनिराज का उपसर्ग दूर करते हैं और तुम जाओ। सीता बोली नहीं, क्या गजब बात है कि व्यंतर आता है लेकिन आप हो ना, मुझे व्यंतर का क्या भय है, जब आप मुनिराज की रक्षा कर सकते हो क्या, और जब आप अपन दोनों की रक्षा कर सकते हो भाइयों की, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं होगी, मुझे कोई भय नहीं है। अरे समझ लो बहुत बड़ा भयंकर भयंकर व्यंतर है वो, देखो सारी पब्लिक गांव खाली कर देती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, और चली गई संग। ऐसे ही परिणति ध्रुव ज्ञाय को देखते 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 संग चली जाती है, उसे क्या जरूरत है कि हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या होगा हमारा,
हम तेरे को केवल ज्ञान सहित आत्मा नहीं देखते, हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला आत्मा नहीं देखते, हम आत्मा को कैसे देखते, देखने का समझ में आ रहा है कुछ दृष्टिकोण? जो ऐसे आत्मा देखते हैं उनको सर्वदर्शी शक्ति व्यक्त हो जाती है, उनको सर्वज्ञत्व व्यक्त हो जाता है। यदि बात समझ आ गई? हाँ हाँ, तो आत्मज्ञानमयी। अब स्वामी जी इसका खुलासा बहुत करती, मैं कई बार कर चुका हूं इसलिए मैं केवल आपको याद दिला देता हूं। अरे रे, पुण्यमयी नहीं कहा, रागमयी नहीं कहा, शुभ क्रियामयी नहीं कहा। शक्ति में क्या लिखा है? आत्म दर्शनमयी, आत्म ज्ञानमयी। क्या कहें, एक एक शब्द में तो कितना जिनागम है। यदि तुम आत्मा को देखते जानते हो, मैंने अनुभव करते हो, तो उस समय 28 मूल गुण की दरकार नहीं रही। दरकार नहीं रही मैंने विकल्प नहीं रहा, ध्यान रखना। दरकार नहीं रही का मतलब, अजी अच्छा बताए पंडित जी, आज से हम कपड़ा वपड़ा मुनि बनने की बात सोचेंगे ही नहीं, अब तो हम बस आत्मदर्शन आत्मज्ञान। मैं एक बात और कहूं, यदि तुम मुझे ऐसी धमकी भी दोगे, हम मुनि नहीं होंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन आत्मा का अनुभव करेंगे, तो भी हम कहेंगे आप आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि आत्मा का अनुभव बढ़ते 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 ऑटोमेटिक ऐसा समय आता है कि तू कपड़े पहनने का विकल्प रहता नहीं। तू एक बार साचा, बस साचा, एक बार सच्चा आत्मदर्शन आत्मज्ञान कर ले बस, किसा मुनि नहीं बनेंगे तो हाँ चिंता नहीं कर। अब चिंता नहीं कर मैंने, देखो उल्टा नहीं पकड़ना कि देखो हम तो पहले ही बोलते थे कपड़ा पहने पहने मोक्ष में पहुंचाते। अरे कपड़ा उतरेंगे, कपड़ा उतरेंगे कि पहनने का विकल्प नहीं आएगा। पूर्व में समझा चुके हैं परिभाषा, दिगंबर मुनि किसको कहते हैं? कि जो कपड़ा त्यागते हैं, कि ना जो इन्हें ग्रहण का विकल्प नहीं आता उनका नाम मुनि है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऑटोमेटिक होती, आप चिंता ही नहीं करो, बिल्कुल वो अपने आप ही आता है। नहीं, 8-10 साल की बच्ची को लगता है कि हम साड़ी नहीं पहन सकते, 8-10-12-15 साल के बच्चों को ऐसा लगता है, नवयुवकों को, कॉलेज के युवकों को, कि हम तो सूट टाई से नीचे आ ही नहीं सकते, हम नहीं पहन सकते धोती दुपट्टा। आने दो टाइम, आने दो जो टाइम आता है वैसा हो जाता है। 8-10 साल की बच्ची कहेगी मुझे लज्जा नहीं आती, लज्जा नहीं आती। अभी तुम बड़ी हो जाओ, हमें कहना नहीं पड़ेगा, वो लज्जा अपने आप ही आने लगेगी, आएगी। ऐसे यहां पर अपने आप मुनि दशा आती है। आप मुनि दशा के नाम पर टेंशन नहीं करो। इसकी चर्चा पूर्व में बहुत हो गई इसलिए मैं अभी खोलना नहीं चाहता। मुनि दशा के नाम पर आप द्रवलिंग का कर्म मत बांधो, निदान मत बांधो, द्रवलिंग का निदान नहीं बांधो कि ये भगवान ऐसी ताकत आ जाए शरीर में कि एक दिन नग्न दिगंबर हो जाऊं, मुझे ठंड का खबर ना पड़े, गर्मी की खबर ना पड़े, और जंगल में रह सकूं और पीसी कमंडल लेकर रह सकूं। इसमें द्रवलिंग का भी निदान बंद होता है। द्रवलिंग का अनंत बार हो चुके हैं हम, इसमें कहीं दम नहीं है। आत्मदर्शन मई, आत्मज्ञान मई। आगे समझ में आया? मुनि दीक्षा मई नहीं लिखा इसमें, क्रियाकांड मई नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, एक आत्मदर्शन आत्मज्ञान। अब देखो अच्छे समझना, नहीं तो बात ही बहुत टॉप चल रही है ना। अनंत आत्मा का अनुभव और आत्मा का दर्शन और आत्मा का ज्ञान, बात तो उसकी चल रही है, तो उसी के गीत गाए जाएंगे। अभी क्रियाकांड की बात नहीं चलेगी। तो साहब उससे काम नहीं होता है क्या? कि हाँ नहीं होता है। तो उसके बिना होता है क्या? कि नहीं नहीं, जब एक काम होता तब वो भी होती है। ये नहीं कहा कि उसके बिना होता है, कि उसके करने से होता है। ये काम जब होता है, जब मोक्ष होता है, तो बाहर में द्रवलिंग होता ही है, होता ही है। लेकिन द्रवलिंग करने से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष होए तो द्रवलिंग जरूर होए। बराबर समझ में आता है? द्रवलिंग माने मिथ्या दृष्टि नहीं होता, द्रवलिंग माने मिथ्या दृष्टि नहीं होता। द्रवलिंग माने जितने तीर्थंकरों को मोक्ष हुआ वे भी द्रवलिंग से मोक्ष गए। द्रवलिंग माने नग्न दिगंबर दे 28 मूलगुण पीछी कमंडल, भाई समझना। और अंतर में भावलिंग, अंतर में भावलिंग, भावलिंग से कर्म का नाश होता है और द्रवलिंग से की अवस्था होती है। बाहर से जैसे कल बहुत कहा था ना, बाहर से ये दिखाव होता है और अंतर में काम होता है। बराबर, चलें आगे, चलें आगे, सुनो। आत्मदर्शनमयी कौन सी शक्ति है? सर्वदर्शी शक्ति। आत्मज्ञानमयी
सर्वज्ञ तो शक्ति। अब एक बात और सुनो, इतनी जो चर्चा हुई ना ये केवल मिथ्या मान्यता दूर करने के लिए हुई, खरेखर देखा जाए तो ये शक्तियां आत्मज्ञानमयी हैं। अब आत्मज्ञान करेंगे तो शक्ति होगी ये नहीं कह रहे, मूवन पॉइंट बदल गया। फिर से क्या कहा, आत्मदर्शनमयी है ना ये शक्तियां, ऑटोमेटिक ही आत्मदर्शनमयी है, आत्मज्ञानमयी है ना वो, तुम्हें करना है ये तो व्यवहार है। वास्तव में तो तुम्हारी मिथ्या भ्रांति दूर करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन आत्मा को देखेंगे तो सर्वदर्शित शक्ति बनेगी, आत्मा को जानोगे तो सर्वज्ञ तो बनेगी। स्वयं तू देखे के ना देखे, तू जाने के ना जाने, लेकिन सर्वदर्शित शक्ति तो तेरे में और सर्वज्ञ तो शक्ति तो तेरे में। आगे समझ में आया? अब मैं और आगे ले चलता हूं। इसका मतलब आत्मदर्शन हो ही रहा है क्या कहें, और आत्मज्ञान हो ही रहा है। अब देखो, अब मिसयूज नहीं करना मेरी बात का। दिक्कत क्या है, और ये पंडित जी ऐसा कहते हैं, अरे आप मिसयूज नहीं करो, आप समझो उस बात को। मुझे ये बताओ कि शक्कर का कौन सा परमाणु बाहर झांक रहा है, शक्कर का कौन सा गुण बाहर झांक रहा है? शक्कर है, गेहूं है, सोना है, चांदी है, कोई भी ले लो, इस पुद्गल का कौन सा परमाणु बाहर झांक रहा है? है? खरेखर देखा जाए तो प्रति समय आत्मा अनंत गुणों से तन्मय है। देखा जाए तो एक विपरीत श्रद्धा के कारण इतना बड़ा संसार खड़ा हुआ। खरेखर संसार का कारण अनंत गुण नहीं, संसार का कारण असंख्यात प्रदेश नहीं, संसार का कारण अनंत शक्तियां नहीं, केवल एक श्रद्धा गुण। जी 148 प्रकृतियां वगैरह है ना सारी, और जितनी जितनी नाम लिखे तुम्हारे चार घातिया कर्म वगैरह, अभी हम आपको अभी सिद्ध करता हूं मैं, ये दुख के कारण ही नहीं, एकमात्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी माने श्रद्धा की विपरीतता। इसको मैं थोड़ी समझाने के लिए सरल करूं। एक शब्द सुना होगा आपने बहुत फेमस, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या कहलाता है वो हिंदी में, अंतर में गलत फहमी। अब पत्नी बिचारी बिल्कुल सीता है और पूरा घर की हित रखती है, चिंता करती है, सब बढ़िया करती है, सब बात अच्छी है, लेकिन पति को डाउट है बस, ये मेरे को दुख देना चाहती है, ये मेरे सामने नकली ड्रामा करती है कि मैं अच्छी हूं। अब इसका क्या रास्ता है, ए मैं आता हूं ना तो ये साफ सफाई बढ़िया करके रखती है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे पीछे तो खूब खाती पीती है। बोलो, वो पत्नी बिचारी पति के डर के मारे वो बिल्कुल एक दो रोटी खाए, जरा सा खाए, लेकिन नहीं ये आगे पीछे साफ कर जाती होगी, नहीं तो इतना घी गजाता कहां है, इतना मटेरियल जाता कहां है। एक दृष्टान ये तो बोलो, कोई देखने वाला तो है नहीं, टोकने वाला तो है नहीं, खूब खर्चा करती होगी, पता नहीं लगता कुछ। अब उसको एक अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हर बात में। अब क्या होगा, जो भी घटना घटेगी ना, समझ लो कि वहां दूध ढुल गया, इतना सा दूध ढुल गया तो झड़ वो साफ करने लगी, डर के मारे जल्दी साफ कर दो, देखो धोखा, ऐसे मिटाते हैं बस, पूरा घर ऐसे मिटा के रख देंगे, सब सत्यनाश, मतलब अपनी वजह से थोड़ा कर दे, बाकी तो सब, फिर अपन ने देख लिया तो अपन ने टोक दिया, क्यों ये दूध कैसे ढुल गया, अरे कोई बात नहीं आप चिंता नहीं करो। हाँ हम क्यों चिंता करें, तुम मिटाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको अब हर चीज में गलत फहमी होने के कारण पूरा घर नरक दिखने लगा। अब उसका उसका भाई आया, अभी दिन भर घर में रहेगा, खूब खिलाएगी, ऐसा करेगी, पैसा दे देगी, अपने पीहर में जमा करा देगी, फला करा देगी, क्या करना चाहिए, लॉक लगाना चाहिए, फला करना चाहिए, आफत। अब ऑफिस से फोन कर दे, क्यों तुम्हारा भाई है कि गया, कि नहीं है, आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाएं पिए ऐस करें, मर गए मैंने उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने के कारण उसे पूरी दुनिया नरक दिखाई देने लगी। अब ऑफिस में भी उसका दिमाग खराब, भाई दबे ऑफिसर हो तो फिर पूछ नहीं क्या, फाइल फेंक देवे, इसको डांट देवे, उसको डांट देवे, ऐसा ये भगवान, स्कूल चला जाए तो बच्चों की पिटाई कर दे
कहने का मतलब ये निकला कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग में सारी दुनिया जहर हो गई उसे। अब उसे सारे गुण दुर्गुण लगने लगे, सारी अच्छाइयां बुराइयां लगने लगी, जो कुछ भी फेवर में था वो सब बता अपोजिट लगने लगा सारा सारा। ये दृष्टांत किया। ऐसे ही तेने एक आत्मा के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग करे तो इतना बड़ा आनंद संसार खड़ा हो गया, अनंत कर्मों का बंधन हो गया, 84 लाख योनियों का भ्रमण हो गया। एकमात्र दुख का कारण है दर्शन मोह, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं। दर्शन मोह में भी प्रकृति नहीं, ध्यान रखना, दर्शन मोह माने प्रकृति नहीं, प्रकृति तो पुद्गल है, दर्शन मोह वो तो मिथ्या प्रकृति ही नहीं, वो तो पुद्गल है, वो तेरे दुख का कारण नहीं। अरे रे तू स्वयं ही आपको आप रूप नहीं जानता, इसका नाम दर्शन मोह। नहीं तो दर्शन मोह का नाम सुन के भी ऐसा लगे अब हम क्या करें पंडित जी, वो दर्शन मोह हैरान कर रहा है, दर्शन मोह हैरान कर रहा है, दर्शन मोह हैरान कर रहा है। दर्शन मोह माने मैं स्वयं को सही तरीके से नहीं देखता हूं, मैं अपने को प्रभु नहीं देखता हूं, परमात्मा नहीं देखता हूं, सामर्थ का पिंड नहीं देखता हूं, ये अनंत संसार अनंत दुख का कारण, इसका नाम दर्शन मोह। दर्शन मोह याद रहेगा बोलो। डॉक्टर इसीलिए आजकल कहते हैं बिना सलाह के दवाइयां नहीं खाओ, भले तुम्हारा मेडिकल स्टोर हो, बिना सलाह के बिना परामर्श के नहीं लो। क्यों? कि आदमी को रोज वो टेलीविजन में डॉक्यूमेंट्री देखता है, कभी समाचार पत्र पढ़ता है, तो उसे भी लगता है मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, लग रहा है सोचने लगे दवाई खा ली, अब दवाई का रिएक्शन हो गया, देखो मैं पहले कह रहा था ना कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर तीसरी दवाई खाई, फिर चौथी खाई, फिर 10 लोगों को बताया तो 10 लोगों ने अपनी अपनी सलाह की दवाई दी, और फिर आखिरी में जब लाइलाज हो गए तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, बोले क्यों क्या है, देखो साहब बहुत तकलीफ तो बहुत भयंकर है, तो हुआ क्या, बेसिक रिपोर्ट बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं साहब एक बार मैंने ऐसी रिपोर्ट पढ़ी फिर मुझे लगा ऐसा हो रहा है तो फिर मैंने दवाई खा ली। भाई जी ये तुमने क्यों किया, तुझे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ओके रिपोर्ट थी, लेकिन तुमने बेफिजूल दवाइयां खाई। ऐसे ही भगवान आत्मा एकदम स्वस्थ था और तुम्हें उसकी खबर नहीं थी, तुम्हें लग रहा कि नहीं भगवान आत्मा दुखी है, और उस दुखी को सुखी करने के लिए कपड़ा पहनना शुरू किया, पत्नी लाना शुरू किया, बच्चे लाना शुरू किए, फिर डूबते ही चला गया, डूबते ही चला गया, बस खत्म हो गया। अरे लेकिन तू प्रभु है, तुझे कोई एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं थी, एक कुछ भी जरूरत नहीं थी। अभी बहुत माल है, ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ भगवान सुखी है, अरहंत सिद्ध भगवान सुखी है, काय से सुखी है, सर्वज्ञत्व से, सर्वदर्शित्व से, ध्यान से सुनना मार्मिक बात, वे सर्वज्ञ तो शक्ति व्यक्त हुई लेकिन सुखी बिल्कुल नहीं हुए उससे, सुखी जरूर है लेकिन सर्वज्ञत्व के कारण सुखी नहीं है। इस एक बात कहना है मुझे, इसका मतलब ये निकला कि हम अल्पज्ञत्व से दुखी नहीं है, कोई बात नहीं है, ये प्रभु आपके पास अनंत चतुष्टय में होगा, ये सर्वज्ञ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा नहीं लेना भैया, थोड़ी अलग रीति की चर्चा है थोड़ी सी। आपको सर्वदर्शित प्रकट हुआ उससे सुख होता ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है सबको देखने से, और नहीं देखने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे अल्पज्ञत्व और अल्पदर्शित्व की समस्या ही नहीं है, मूल समस्या है दर्शन मोह की। बराबर समझ आता है भैया, तो सर्वज्ञ होने कोई मजा नहीं, सब कुछ जानने में कोई मजा नहीं, खरेखर बताएं सब झलकता मात्र है लेकिन एक को भी नहीं जानती, क्या कहें, लोकालोक झलकता है, लोकालोक दिखता है लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी उस तरफ लक्ष्य नहीं किया। वे तो सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, ऐसी चर्चा है तो प्रभु आज से हमें भी सर्वज्ञ बनने की चिंता नहीं रही, अब जल्दबाजी क्या करेंगे बोलो। एक एक आदमी यहां बॉम्बे में रहता है, वो समझ लो पूरे बॉम्बे घूम लिया उसने, एक एक घर मकान दुकान सब देख लिया उसने, फिर क्या होता है कि जाके तो अपनी झोपड़ी में खाता पीता है, होता क्या है, सुखी कहां रहता है, कहां रहता है,
अब मेरे में और आप में कितना फर्क है, कितना फर्क है। मैं बाहर का हूं इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता, मोहल्ले गली मगम कुछ नहीं जानता, लेकिन सुनो मैं भी अपने में ही सुखी रहता हूं और तुम सब जान करके भी अपने में ही सुखी रहते हो। ऐसा नहीं कि तुम इतने घर जानते हो तो किसी घर में घुस जाओ, किसी घर में घुस तुम भी नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अपने ही घर जाना पड़ेगा आपको और मुझे भी। अब तुम्हारे सबको जानने में और नहीं जानने में मेरे क्या फर्क पड़ा, बोलो, पॉइंट समझ में आया। सुनो ऐसे सर्व भगवान सबको जानते हैं लेकिन ये जानते हैं कि हमारे लिए सुखदायक कोई नहीं, हमारे लिए आश्रय लायक कोई नहीं। सबको देखते जानने पर ये जानते हैं कि आत्मा ही सुख रूप है, आनंद रूप है, इसलिए इसी को देखो जानो। तो सुनो कौन सा काम किया सुखी होने के लिए, अपने को देखो जानो। तो सुनो प्रभु मैं नहीं जानता कि दुनिया में कितने लोकालोक में कितने गए हैं, आनंद द्रव गुण पर्याय मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मालूम पड़ गई आपको देख करके जान करके कि सुख आत्मा में है। तो मैं भी आज से अपने को जानता हूं, बोलो सर्वज्ञों मेरे में क्या अंतर पड़ा, क्या फर्क पड़ा, बोलो विचार करना, बहुत गंभीर बात है एकदम। कैसे अपने को ऐसा लग रहा है जैसे सर्व भगवान और अपन एक बिल्कुल लेवल पे ही आ गए, क्यों कि जानने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और देखने से कुछ। बोलो 8 साल का बालक हो वो रसगुल्ला खावे और 80 साल की दादी माँ भी रसगुल्ला खावे। अब 80 साल की दादी माँ सब जानती है कितना मावा डाला होगा, कितनी मैदा डाली होगी, कितना घी हुआ होगा, कैसे बनाया होगा, सब जानती है, और 8 साल का बच्चा नहीं जानता। आनंद में, आनंद में। अब दादी माँ का मुंह इतना बड़ा है इतना बड़ा रसगुल्ला खा ले, 8 साल का इतना सा खा ले, टेस्ट में, मजा में। ऐसे सर्व भगवान का मुंह थोड़ा बड़ा है बस अपना छोड़ा है वैसे। लेकिन वो भी यही समझते हैं कि आत्मा के आश्रय से आनंद होता है, मैं भी यही समझता हूं आत्मा के आश्रय से आनंद होता है, बस हो गई बात खत्म। आगे नहीं आए समझ में भैया, अब आगे चले थोड़ा और। अरे रे प्रभु मेरे लिए दुख रूप कौन निकला, 3 लोग में कोई नहीं निकला, जिसका नाम दर्शन मोह था वो भी मेरी ही उपज, क्योंकि मैंने अपने को देखने का तरीका नहीं सीखा था, मैंने अपने को हमेशा संयोग से नापा। जैसे मैं ज्यादा शास्त्र पढ़ता हूं तो संयोग ही तो हुआ ही, मैं मोटा पुरुषार्थी हूं, मैं बड़ा पुरुषार्थी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, कैसे नापा इससे, ये तुम्हारा देखना ठीक नहीं, इसका नाम दर्शन मोह। मैं कम पढ़ता हूं, मैंने कम स्कूल में पढ़ा है, मेरे को ज्ञान नहीं है, तो ये तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है, ये दर्शन मोह। अब सब में लगा लेना, क्रियाकांड से नापना, पुण्य से नापना, पाप से नापना। एक गरीब आदमी ऐसे प्रवचन सुनता है, अरे भैया बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, किसी ने 25,000 दान में दिया, किसी ने 50,000 दिया, अरे भैया अपन तो कुछ दे भी नहीं सकते। अब वो ऐसे सोच सोच के परेशान, जबकि देखा जाए तो ये देखना ही मिथ्या दर्शन है। और करोड़पति आगे बैठ जाए, मैंने इतना दान दिया, इतना बढ़िया सिविल लगाया, इतना बढ़िया ऐसा किया, और ऐसा सोच सोच के प्रसन्न हो रहा है, सब मुझे आदर से देखते हैं, सब मुझे जय जिनेन्द्र करते हैं, ये सब क्या है, संयोग। तो संयोग दर्शनमयी और संयोग ज्ञानमयी का नाम नहीं है, सकती आत्मदर्शनमयी है। गरीब है वो भी आत्मदर्शन करे तो उसे सर्वदर्शित वो सर्वज्ञ तो खिल जावे, और अमीर भी अपने को आत्मदर्शन और आत्मज्ञान करे, जाने देखे अनुभव करे, उसको भी खिलता है। बोलो अब इस लेवल पे देखा जाए, सम्यक दर्शन के लेवल पे देखा जाए, भगवान बनने के लेवल पे देखा जाए, तो क्यों भैया गरीब और अमीर बराबर हुए कि कम बड़ हुए? कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कभी कि हमारे लिए एक इन्फोटेक के लिए या आईटी के लिए या कंप्यूटर चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, बस अर्थ वो करोड़पति होना चाहिए, है सर? ऐसा नहीं, मान लिखा रहता क्वालिफिकेशन, मैंने योग्यता, योग्यता लिखी रहती ना। अब उन्होंने लिखा है जो भी ए डिग्रियां किए हुए हों वे संपर्क करें, हमारे यहां 5 पोस्ट खाली है, 2 पोस्ट जितनी भी खाली है, ऐसे संपर्क करें। तो क्यों, उसमें कौन भर सकता है, गरीब की अमीर? अब अमीर आदमी हो और उसकी योग्यता नहीं हो, उस क्वालिटी की नहीं हो, और बोल गरीब आदमी क्वालिटी का हो, बोलो नौकरी कैसे मिलेगी? अब उसके पास फोन भी नहीं, मोबाइल, गरीब आदमी हो
और इसके पास फोन है, उसने फौरन उसी नंबर पे फोन घुमाया, क्यों जी आपका वो कल हमने एड पढ़ा है, तो मैं करोड़पति हूं और आप भी करोड़पति हैं, तो आप मेरे को प्रेफरेंस देना, आप प्रेफरेंस क्यों, क्या बात है, सुनो हमारी क्वालिफिकेशन में ये नहीं लिखा कि कितने मोबाइल होने चाहिए उसके पास, हमारी तरफ से तो नंगे पांव आता हो सड़क पे चलता हो, लेकिन यदि क्वालिफाइड है तो उसको नौकरी मिल जाएगी, समझ आया। ऐसे भगवान बनने के लिए एड निकल गई एड निकल गई, उस एड में लिखा ही नहीं कि करोड़पति होगी, लखपति होगी, गरीब होगी, भिखारी होगी, सेठ होगी, नहीं। कोई कोई भाई हमारे पास आके कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम प्रवचन सुन रहे हैं आपके, तो हम कहते वैष्णव हो ही नहीं, क्वालिफिकेशन में लिखा ही नहीं है ही नहीं, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई, श्वेतांबर की, थानक वासी, जब हम इधर संप्रदाय से देखते हैं ना तो झगड़ा खड़ा होता है। क्वालिफिकेशन से देखो, तुम भी दर्शनमयी हो, ज्ञानमयी हो, हम भी दर्शनमयी है, ज्ञानमयी है। अब जो अपने को देखेगा वो क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर सर्वदर्शित सर्वज्ञत। अब बोलो क्या करना है, बोलो, लिखा ही नहीं ना, देखो आत्मदर्शन और आत्मज्ञानमयी, 100 शास्त्र ज्ञानमयी नहीं लिखा, 100 शास्त्र ज्ञानमयी नहीं लिखा, 1000 प्रवचन श्रवण किया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं लिखा। काम होता है तो सिंह को एक एक में हो जाता है, एक 5 मिनट के व्याख्यान में, 5 मिनट भी क्या कहें, 5 मिनट भी क्या सुना होगा, क्या सुना होगा 5 मिनट। जब काम होना होता है, क्वालिफाइड होते हैं तो सब काम हो जाता है। अब तो समझ में आया, अरे रे इन शक्तियों को पढ़ करके दीनता निकल गई, दीनता निकल गई, दीन भावना मिट गई, अनपढ़ की, गरीबी की, फला की सब लगा लेना, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु, रहा न दुख कालिश। समझ में आए भैया, आगे चलें, कैसी निर्भरता की वो है, एक एक शक्ति तो देखो कैसी जोरदार है। अब आप फिर कहो कि साहब कैसी बातें कर रहे हो, अल्पज्ञ होने से दुखी नहीं है, अपन थोड़ा जान पा रहे हैं, थोड़ा देख पा रहे हैं, इससे दुखी नहीं है। हमने अभी शुरू में कहा तुम ज्यादा जानने के चक्कर में ना इसलिए दुखी हो, ज्यादा देखने के चक्कर में इसलिए दुखी हो, और इसलिए तुमने इतना बड़ा विज्ञान का लवाजमा खड़ा कर दिया जी, कितना बड़ा, क्या बोलते स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा हो, तुम सोच रहे हम विकसित हो गए, हम कह रहे तुम पतित हो गए। अभी समझ में नहीं आया, हम सोच रहे हैं तुम्हारा विनाश हो रहा है, विज्ञान का विकास नहीं, विज्ञान के विकास के नाम पर मानव का विकास हो रहा है, ये बात झूठी है, वास्तव में तो पतन हो रहा है। जब मैं कॉमर्स में पढ़ाता था सेकंड ईयर में, अभी भी चलता होगा मुझे मालूम नहीं, एक जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट चलता है, एक फाउंडेशन सब्जेक्ट चलता है सेकंड ईयर में, चलता होगा अभी भी, चलता था, तो उसमें एक साइंस एंड सोसाइटी, एक मैंने एक पूरी बुक है पूरी साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड सोसाइटी, ऐसा पूरी। जब मेरे को वो मेरा सब्जेक्ट था उस समय पढ़ाने के लिए, तो साइंस एंड रिलीजन की बात आई, मेरे को तो आनंद आ गया। फिर मैंने 7 दिन तक लगातार साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड रिलीजन, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, सब पढ़ाया। खैर जब मैंने फिजिक्स पढ़ाया, साइंस एंड रिलीजन के नाम पर फिजिक्स पढ़ाया, तब छात्रों ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, सर आप बहुत महिमा कर रहे हो कि प्राचीन काल में ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों ने बड़ा ग्रंथों में ऐसा किया वैसा किया और तमाम, लेकिन एक बात बताओ, यदि ऋषि मुनियों के ज्ञान में ये सब थे तो उन्होंने हवाई जहाज क्यों नहीं बनाए, टेलीविजन क्यों नहीं बनाए, समझ गए, ऐसी ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी क्यों नहीं बनाई, मैंने आप समझ गए ना पूरा, मैंने जो आज कैंसर का आविष्कार कर लिया दवाइयों का, उन्होंने क्यों नहीं करा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन जो आज हो सकते हैं वो पहले क्यों नहीं हो सकते थे। तब मैंने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, अब सुन लो आप, मैंने कहा आप सोच रहे हो कि विज्ञान ने विकास कर लिया, हम तो कह रहे विनाश किया उसने, जो हवाई जहाज उड़ते हैं उसमें सदा खतरा है कि अब गिर ना जाए, एक्सीडेंट फिर भी हो जाते हैं, फिर भी टकरा जाते हैं, पेट्रोल की समस्या, ये समस्या, वो समस्या, प्राचीन काल में ऐसे थर्ड क्लास हवाई जहाज की कहां जरूरत थी,
रामचंद्र जी के पास पुष्पक विमान था ना, पुष्पक विमान था ना, कभी टकराया ही नहीं कहीं से, कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, और सर उसमें पेट्रोल की भी समस्या नहीं थी। और रही बात तुम्हारी ये मोबाइल मोबाइल की, तो उस समय मोबाइल की जरूरत क्या थी, श्रुत ज्ञान इतना विलक्षण था और अवधि ज्ञान ऐसा विलक्षण था, अवधि ज्ञान में सब जानते थे ना। अभी होता मन की बात जानने के लिए वो लाई डिटेक्टर वगैरह बना दे, मन की बात जानने के लिए लाई डिटेक्टर वगैरह बोले, हम कह रहे हैं हमारे पास मना पर ज्ञान पहले ही था ना, जरूरत कहां थी, बोला। तुम कह रहे हैं मल्टी स्टोरी नहीं थी, तुमने पढ़ा भरत चक्रवर्ती का 84 खंड का महल था, वहां तो ऐसे हाथ करते थे तो बन ही जाता था, तुम तो एक एक ईंट फिर पानी, वहां तो बन ही जाता था। आत्मज्ञान था ना तो साथ में इतना उज्ज्वल पुण्य था। भरत चक्रवर्ती एक भी दिन सड़क पे नहीं सोए जब तक ग्रस्त अवस्था में रहे, इतने युद्ध करने गए 60,000 बरस, जहां जाते थे वही नगरी की रचना, वही महल, उनके जो 14 रत्न हुआ करती ना, नवनिधि 14 रत्न, उनका यही काम है, उनके पुण्य के उदय से पूरे इतने महल की सारी रानियां रह जाएं उसमें, नगरी की नगरी तैयार हो जाती थी बस एक सेकंड में। तुम कहां लगे हो, और तुम कह रहे ऑपरेशन हो गए थे विकास है कैंसर का और इसके काय काय की तुम्हारी, अरे उस समय इतनी चीरा फाड़ी की जरूरत कहां थी, इतना संयमित जीवन था तो बीमारी होती कहां थी, बीमारी ठीक है। और मैंने कहा आज इतना विज्ञान का विकास हो गया, एक आदमी ऐसा आदमी बता जो हनुमान जी जैसा पेड़ उखाड़ दे, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो इतना मोटा ये खंभा था ना, ये खंभा देख रहे पिलर टूट गया चकना चूर, तो ऐसा बताओ जन्म जात बालक और ऊपर से गिरा तो चट्टान चूर चूर हो गई, ऐसा ऐसी बलवत्ता आज बताओ। अब बताओ विज्ञान का विकास हुआ कि विनाश हुआ, अब ऐसे टेलीविजन रख दिए कि बाप बेटा देखने में शर्माए और 8-8, 10-10 साल के बच्चे देख देख के अपने परिणाम बिगाड़े। अब आने लगे समाचार पत्रों में 10-10, 12-12 वर्ष के बच्चे बड़ों जैसे अपराध करने लगे, बोला वो चिपका देंगे आज पढ़ के देखना, बालकों में बढ़ता अपराध, फांसी रैप सब गंदे गंदे काम, खाना पीना, जी जी विकास है कि विनाश हुआ ये, बोलो। तो इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा जानने की कोशिश करी ये, लेकिन गलत तरीके से की, इधर से करते आत्मज्ञान आत्मदर्शन करते तो मैं ऑटोमेटिक सब हो जाता, क्या समझ में आया भैया। तो आप कह रहे हो कि आत्मज्ञान और आत्मदर्शन से सुखरूप है, बराबर ना, सर्वज्ञ तो सुखरूप नहीं, सर्वदर्शी सुखरूप नहीं, आत्मज्ञान आत्मदर्शन सुखरूप है, बराबर। अब इसमें एक बात और बताना है, ऐसा कैसे, लॉजिक से सिद्ध करो ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए भैया क्योंकि दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति ये अनादि अनंत बंध का कारण नहीं है। अभी एक नया पॉइंट दे दिया आप, क्या कह रहे हैं, ये बंध का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग बंध का कारण नहीं है, कभी भी इससे बंध नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता। मैं इसको लोहे का जान लू, कांच के बजाय लोहे का जान लू तो भी मुझे बंध नहीं होगा, जानने से बंध नहीं होता, देखने से भी बंध नहीं होता, देखने से भी बंध नहीं होता। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, वो माता बहनें भी दिख रही हैं, किसी की दुकान भी दिख रही है, किसी करोड़ रुपया भी दिख रहे हैं, किसी की बैंक भी दिख रही है, कोई अपराध नहीं दिख रही है, वो दर्शन दर्शन मात्र है, दर्शन मात्र से बंद नहीं होता, देखो ज्ञान से बंद नहीं होता। हम बैंक में गए और कैश काउंटर पर करोड़ों रुपया रखा है, हम कांच में से देख रहे हैं, पारदर्शी कांच में से कि उसके पास बहुत रुपया रख रहा है, गिन रहा है बहुत रुपया है, इतनी गड्डियां हैं, वो आपसे एक बार भी वो नहीं कहता क्यों मिस्टर क्यों देख रहे हो, देखने से बंद नहीं होता, जानने से भी बंद नहीं होता। हाँ अब आपका दर्शन मोह आया बंद तो उससे होता
बंध तो अभिप्राय से होता है, बंध तो अस्थिरता से होता है, अस्थिरता से दर्शन मोह चारित मोह खरे खरे से बंध नहीं होता। चलो निश्चिंत हो जाओ, जितना हम देख जान रहे हैं उससे बंध ही नहीं होता, निश्चिंत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। और इस मामले में ही थोड़ी चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, हम सब इसी मामले में टेंशन में हैं कि आत्मा को देखने का मतलब है कि यहां का देखना जानना बंद करो, बिल्कुल पक्की 99% को ये मिस्टेक है कि जैसे अपने ऐसे बैठे तो कुछ देखना जानना हो रहा है ना, तो इसको क्या लग रहा है अपन आत्मा इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये देखना जानना चल रहा है। देखो अपन क्या क्या जान रहे हैं, विचारों को जान रहे हैं, खाने पीने को जान रहे हैं, दुनियादारी को जान रहे हैं, दुकानदारी को जान रहे हैं, हैं? और देख रहे हैं क्या कुछ ना कुछ दिखता भी हो संग नहीं, एक पिक्चर सी नहीं दिखती रहती है पूरी, कुछ ना कुछ तो दिखती रहती है, तो देखना रुकता नहीं और ज्ञान रुकता नहीं, वो तो चलता ही रहता है। इसको क्या लगता है, इसीलिए मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्मदर्शन नहीं कर पा रहा हूं कि कुछ ना कुछ देखना जानना चल रहा है। समझ लो अपने ऐसे बैठे तो मच्छर का विकल्प आ गया, खाने पीने का आ गया, शरीर हाथ पैर दुखने का आ गया, तो अब मालूम क्या करते हैं लोग कि जैसे पैर दुखे, सच्ची बात है अपने को देह में बड़ा राग है, देह में बड़ी रुचि है, देह में बड़ा एकत्व है, मैं कैसा आत्मा हूं, आज तक एकत्व नहीं तोड़ पाया, 50 वर्ष हो गए प्रवचन सुनते सुनते, हे भगवान आज तक देह की रुचि नहीं छूट पाई, आखिरकार पैर का दुखना झलक ही गया। गुजराती भाषा में कहो तो गांडा नंबर वन। कैसा मूर्ख है, अरे पागल, ज्ञान दर्शन में जो कुछ हो रहा है ना उससे कभी बंद हुए नहीं आज तक। दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की बात है, दर्शन माने दर्शन गुण श्रद्धा गुण की बात नहीं चल रही है यहां, दर्शन गुण श्रद्धा गुण की बात नहीं है यहां, दृष्टि शक्ति माने देखना दर्शन उपयोग, और ज्ञान माने ज्ञान उपयोग उससे बंद होता ही नहीं। अपन जो कुछ भी जान, जैसे मान चलो एक बहुत एक सरल दृष्टांत दूं, आप लोग एक बात से बहुत परेशान, पंडित जी बहुत सारी बातें ऐसी हम जानते हैं गलत है, फिर भी ऐसा खोटा विचार आ जाता है, खोटा चिंतन आ जाता है, क्यों आ जाता है? ये तो भैया वो आ जाता है, वो केवल तुम में झलकता है। तो ज्ञान और दर्शन के द्वारा मात्र तुम देखते जानते हो, दर्शन और ज्ञान के द्वारा मात्र। अब हम क्या करें, तो फिर वो विचारों को नहीं रोकें, वो खोटा विकल्प आ गया उसे नहीं रोकें, और ऐसा ऐसा जानना उठपटांग आया उसे नहीं रोकें, तुम रोकने वाले होते कौन हो? अच्छा नहीं रोकना चाहिए, लेकिन उसे जानना भी तो नहीं चाहिए। अरे जानने से भी कुछ नहीं बिगड़ता, उसको जान करके ये जान कि ये मेरा नहीं, उसको जान कर ये जान कि ये इससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं, एक उदंडता की बात नहीं चल रही। बड़ा मुश्किल है ऐसी शुद्ध बातें पढ़ाना, आज तक तो कोई खोटे विकल्प रोक नहीं पाया। अपन सामायिक करने बैठे हो तो जो देखना जानना चल रहा उसे रोक नहीं पाए अपन, और रोकना भी नहीं। इसके रोकने का ही नाम दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म का बंद है। और सुन लो आप, आज का प्रवचन बहुत खतरनाक है। समझ में आता है, ये गड़बड़ तो नहीं होती? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इसलिए बनती है कि तुम ये सोचते हो कि जिस दिन मेरा ये ज्ञान दर्शन का व्यापार रुक जाएगा उस दिन मुझे आत्मा का अनुभव होगा। तुम विकल्पों को रोकने के नाम पर, विकल्पों को तो नहीं रोक सकते लेकिन अपने ज्ञान दर्शन की शक्ति का तिरस्कार करते हो, इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। आपको समय हो गया, नहीं तो बहुत भयानक अध्याय है जी। अच्छा ऑपरेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल कैंसर का अंतिम कीटाणु भी छोड़ने लायक नहीं, ऐसे ऐसी चर्चा है। आता है ये समय, आता है हम क्या करते हैं बताओ। जैसे एक बहुत कल्पना की बात है, मैं ज्ञान वाला हूं और ज्ञान का स्वभाव जानना है, और तीन लोग तीन काल को एक साथ जानू देखू ऐसी सामर्थ्य वाला हूं, ये बताती है शक्ति, और तुम इस शक्ति को जानते नहीं जो हमारे अंदर पड़ी है, तो तुम उसका तिरस्कार करते हो, हे भगवान मैं स्त्रियों को नहीं जान सकता। जैसे कोई ब्रह्मचारी हो वो एक है, मैं स्त्रियों को नहीं जान सकता, स्त्रियों को जानते थे मेरी परिणाम खराब हो जाते, स्त्री का नाम मत ले लेना, फोटो नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये भगवान सड़क पर भी कैसे कैसे पोस्टर लगा दिए, ये भगवान अखबार में भी गंदगी, हाँ बस कि बेटा तू केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद कर रहा है, तुझे तीन लोक तीन काल की स्त्रियां देखनी पड़ेंगी,
इस सामर्थ्य का नाम सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व। स्त्रियों से विकार नहीं होता ये नक्की कर पहले, स्त्रियों को देखने से विकार नहीं होता इसका मतलब खूब देखे ये नहीं। मेरे साथ तो बहुत कंप्लेंट होती है कि बहनों को आप क्यों हल्का समझते हैं कि निचला समझते हैं कि उनको द्वेष करते हो आप उनसे, कि आप उनसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उनसे बात भी नहीं करते, उनको देखते भी नहीं हो। उन्होंने ऐसा कई बार मेरे पास ऑब्जेक्शन आए, उन्होंने क्या पाप किया बिचारी, आप उनको इतना हदभागा क्यों समझते हो, उनको इतना गया गुजरा क्यों समझते हो, मतलब ऐसे। तो हम कहते भैया ऐसी बात नहीं, द्रव्यान योग और चरणान योग दोनों में फर्क होता है, इसकी एक मर्यादा है। मान चलो मैं अभी देखता रहूं किसी की ओर इस तरफ टकटकी लगा के देखता रहूं, बार बार एक से ही प्रश्न पूछूं, क्या होगा बोलो क्या होगा? आप प्रवचन तो गया एक तरफ कि पंडित जी की दृष्टि चौकी न थी। बोलो क्या होगा बोलो? नहीं नहीं होगा। ओ जी दास्तान नहीं पढ़ी आपने अखबारों में रोज? इस साधुओं तक में जो भ्रष्टता देखी जाती है, त्यागी व्रतियों में भी देखी जाती है, विद्वानों में देखी जाती है, रोज अखबार रंग रहे हैं, ये मर्यादा के लिए नहीं। क्या स्वभाव के लक्ष्य से और जिनाज्ञा के अधीन, जिनाज्ञा है निचली भूमिका में कमजोरी होती है नहीं देखना, लेकिन उनसे द्वेष भी नहीं करना, नफरत भी नहीं करना, घृणा भी नहीं करना, कुंठा नहीं करना। बहुत बहुत मार्मिक बात है। तू अपने परिणाम सुधारने के लिए सोचता है कि स्त्रियां ना हो, स्त्रियों का विचित्रता ना हो, टॉकीज ना हो, ये ना हो, वो ना हो, सुधरने के लिए, अपने सुधरने के लिए। तो क्यों भैया, यदि टॉकीज नहीं होंगे और इस तरह की बेस्याएं नहीं होंगी जो टेलीविजन में काम करती है, पिक्चरों में काम करती है, ये नहीं होंगी, तो जो 99% को नरक निगोद में जाना है, उसका गणित भगवान का गणित गलत नहीं हो जाएगा? और फिर उनके द्वारा फंसाए जाने वाले जीव भी वहीं जाएंगे, वो गणित गलत नहीं हो जाएगा? कितने जीवों को मोक्ष होना है खबर? तीन काल के सिद्ध कितने खबर? इस पूरे ब्रह्मांड को पानी से लबालब भरो, इतने जीव, और उसमें सुई की एक नोक निकालो, उस पर जितना पानी आ गया वो तीन काल के सिद्ध हैं। तीन काल के सिद्ध, सुई की नोक बराबर, तो बाकी के तो भ्रष्टाचार करेंगे ही। अब ब्रह्मचारी का मन तो वहीं जा रहा है भ्रष्टाचार में, जी सब मजा कर रहे हैं, जी सब क्या कर रहे हैं, एंजॉयमेंट, फास्ट फूड, ड्रिंक, और मर गए, सब घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर पे हालत देखो, फला पे हालत देखो, रेलगाड़ी में हालत देखो, सब मजा कर रहे हैं, कि पापी तू भी मजा कर रहा है। बहुत कड़क शब्द है। अरे रे, भगवान आत्मा में आनंद है, इसे जाने बिना ब्रह्मचर्य होता नहीं। अरे ये कपूल कल्पना बेचारे वृथा ही दुखी हो रही है, यानी आनंद का संसार में रखना है। तीन काल के सिद्ध हैं कितने से? अब मेरी गिनती कहां है बोलो? इधर सड़क छाप में है कि उधर में है बोलो? इसका जिसको तफावत पड़ गई, भेद पड़ गया, उसका काम हो गया। आज होता तो ऐसा है कि वो शादी क्यों नहीं करना, अरे पत्नी जाने कैसी मिले, जिंदगी भर हाय हाय किटकिट देख लिया मैंने, पिताजी को भी, दादाजी को भी, फूफा जी को भी, चाचा जी को भी, सब दुखी, इससे तो अपन अकेले भी मजे में। अच्छा जी ब्रह्मचर्य, पंडित जी आप समझते नहीं हो, कितना कमाओ फिर कितना, बच्चों की मेहनत, फीस, ए वो तमाम, हाय हाय अपनी बस की नहीं। अच्छा ये पलायन बात का नाम ब्रह्मचर्य है? थोड़े भी समझ लिया, आत्मा तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मैं हूं, इसका नाम ब्रह्मचर्य है, पॉजिटिवली ऐसी बात है। वो बात तो पूरी हुई नहीं आपकी, फिर कभी लेंगे, कल लेंगे, होगा हो, आएगी तो आ जाएगी, नहीं आए तो ये हमें दोष मत देना। अरे अरे, देखने जानने से कुछ नहीं होता, और ये चढ़ना नहीं होगा सुमेल है, देखने जानने से कर्म बंद नहीं होता, इस ऐसा जानकर यदि कहीं नजर पड़ जाए तो तू घबरा मत, ज्ञान का अनुभव कर, और ज्ञान दर्शन से बंद नहीं होता। टोडरमल जी ने दिया हेतु, वो देके पूरा करती है बंद। टोडरमल जी ने लिखा है जितना ज्ञान प्रकट हुआ है वो तो साक्षात प्रकाश रूप है, उससे बंद नहीं होता, और जितना ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ वो बंद कैसे करेगा? लॉजिक समझ में आया नलिन भाई? अपने पास जो सूक्ष्म ज्ञान है, तो जितना प्रकट हुआ वो तो उज्जवल है, वो तो पवित्र है, उससे बंद कैसे होगा? और जितना है ही नहीं,
उससे बंद होगा कैसे? इसलिए ज्ञान गुण से कभी किसी को बंद नहीं होता। इसका मतलब है कि आप सामायिक अब आराम से करो, जानने में आ रहे हैं, आने दे उसका काम, आना अपना काम जानना। ये सब दिखती है, जाने क्या क्या दिखता है, देखने दे। पंडित जी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं बहुत बड़े पापी हूं, क्यों? जाने कहां कहां के ऊट पटांग सपने आते हैं पंडित जी, क्या क्या दिखता है सपने में। अरे देख लेने दे, उसका काम आना, हमारा काम देखना जानना बस। मात्र जान ना मेरा काम, इतनी सी बात। अब ज्ञान दर्शन से समझ गए, आप अपने ज्ञान दर्शन की शक्ति का नाश नहीं करो। जब तुम कहते हो मैं नहीं देख नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो आपने ज्ञान स्वभाव का नाश किया और इससे आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ। और ऐसे जीव को सर्वदर्शित तो सर्वज्ञत्व शक्ति अनंत काल में प्रकट नहीं होगी। इसलिए आज से देखने जानने के स्वभाव का नाश नहीं करना। सर्व क्यों? सर्वज्ञ भगवान तो तीन लोग की सारी स्त्रियों को जानती हैं, और जो जो गंदे अच्छे सब हैं सबको जानती हैं। इसलिए देखने जानने से तकलीफ नहीं है। देखने जानने के बाद मैं इनका करता हूं या ये मेरे करता है, इनसे मुझे लाभ होता है या इससे मुझे हानि होती है, ऐसी बुद्धि हानिकारक है, आठ कर्म की बंधक है। बाकी आप विचार करना हो। ओम नमः शिवाय।